with a slow motion crew and we up in our clouds when. Hello guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. It's me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel, and if you're returning subscriber, so welcome back to my channel. So I'm making this video for those people who are getting married very very soon and they don't know what goes into bridal makeup kit. So here I am, and I hope you guys like this video. If you like it, so please give me a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Don't forget to turn on the notification bell so you don't miss my videos. And yeah, let's get to start this video now. तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. यहाँ पे मैंने जो सेशन है उनको दो में डिवाइडेड कर दिए हैं. कि जो पहला पार्ट है वो होगा कि ब्राइडल की जो सबसे मेन चीज़ें हैं मेकअप के अलावा वो क्या क्या हैं. यहाँ पर मेरे पास एक डिवाइस है जो कि है आईब्रोज बनाने की. ये काफ़ी अच्छी आईब्रोज बनाने की मशीन है. अगर आपके पास ट्यूज़र है तो आप उसकी हेल्प से भी आईब्रोज वगैरह बना सकते हैं और उसको अपने बॉक्स में रख सकते हैं. इसकी जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर, या फिर आप आई कार्ड बटन पे भी चेक कर लीजिएगा. और दूसरी जो डिवाइस वो मैं आपको दिखा दूँ वो है ये वाली. ये है आपके फेस के लिए, यानी कि अगर आपके फेस पर कोई भी हेयर हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं इससे. और अब जो है मेरे पास है ये बालों की पिन, ये भी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. अब आते हैं हमारे नेल पॉलिश पे कि नेल पॉलिश का कलर आप कौन सा इस्तेमाल करें. आप कोशिश करें कि आप जो भी कलर यूज़ कर रही हैं वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए. यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शॉकिंग पिंक कलर का कलर है मेरे पास, और साथ ही आप जो है एक हल्के रंग का भी कलर रख सकते हैं. तो ये जो दो कलर है ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट कलर हैं. इसको अगर आप अपने हैंड पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको अपने हैंड बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही अच्छे. और साथ ही आप अपने साथ रखें इस तरह का कॉटन पैड कोई भी, और उसके साथ ही आपने रखना है नेल रिमूवर जिससे आप अपने नेल पॉलिश जो है हटा सकते हैं. पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपकी नेल्स इतने ज़्यादा बिग नहीं हैं, लाइक जैसे मेरे नहीं हैं, आप जो है आर्टिफिशियल नेल्स भी यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप जो है महंगे वाले ही ब्रांड को यूज़ करें. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, ये मेरे पास है एक ड्रॉपर. ये जो है नेल पॉलिश के लिए है, यानी कि अगर आपके पास वक्त नहीं है नेल पॉलिश लगा के उसको सुखाने का. ये जो ब्रांड है ये है एसेंस कंपनी का, और काफ़ी जो है चीप ब्रांड है. नेक्स्ट जो है मेरे पास है नेल फाइल्स, आप ये भी अपने बॉक्स में ज़रूर रखें, और साथ ही आप अपने बॉक्स में नेल कटर भी रख सकते हैं. और यहाँ पे मेरे पास है ये क्यूटिकल्स को जो रिमूव करते हैं, जो कि डेड स्किन्स होती हैं, इसको रिमूव करने वाला कटर है. आप इसको भी ज़रूर रखें अपने बॉक्स में. सो अगली जो चीज़ है वो मेरे पास है आईलैशेस ग्लू, जो कि मैंने ये अमेज़ॉन से बाय की थी. ये भी आप अपने बॉक्स में रखें, क्योंकि जो न्यू ब्राइड होती हैं उनको आईलैशेस के साथ साथ ग्लू भी रखना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर जो है मैं आपको आईलैशेस दिखा रही हूँ. ये थोड़े से हैवी आईलैशेस हैं, न्यू ब्राइड के लिए बहुत ही अच्छे हैं. अगर आप आईलैशेस लगाना पसंद नहीं करते हैं तो आप जो है लाइट आईलैशेस को भी रख सकते हैं. नेक्स्ट जो है मेरे पास है ग्लू, जो कि हमारे आई शेडो ग्लू है. जैसे कि आप ग्लिटरी मेकअप करते हैं, आई शेड्स बिठाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ग्लू. उसके लिए ये वाली ग्लू बहुत अच्छी है. और साथ ही जो है मेरे पास हैं ये विटामिन्स के कैप्सूल्स, जो कि आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में रख सकते हैं. आप जो है फेस वॉश करने के बाद जैसे आप सीरम लगाती हैं, आप उसकी जगह ये भी अप्लाई कर सकते हैं. एक तरह का ये सीरम होता है, डे या नाइट दोनों में किसी भी टाइम पर आप यूज़ कर सकती हैं ये. साथ ही यहाँ पर है बॉडी लोशन, आप ये भी अपने साथ रखें, क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए बॉडी लोशन जो है बहुत ही ज़रूर होना चाहिए. और साथ साथ, सॉरी मैंने आपको बताना भूल गई हूँ इस वीडियो में, कि आपके पास फेस वॉश होना चाहिए, टोनर होना चाहिए. ये दो चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट जो है मेरे पास है ब्लो ड्राई हेयर स्प्रे, यानी कि अगर आप ब्लो ड्राई करती हैं अपने हेयर्स पे तो आपको ज़रूरी है कि आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लें जो कि आपके हेयर को डैमेज ना करे. और यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बॉडी स्प्रे. मैं यहाँ पे नीविया का दिखा रही हूँ. आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन उसकी स्मेल जो काफ़ी अच्छी हो, जो कि काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहे. और आपके पास होना चाहिए एक हेयर ब्रश जो कि सॉफ्ट सा भी हो और कंफर्टेबल भी हो आपके लिए.
here I'm going to show you one more thing, and this is a face oil. You can use this oil as a face oil in the night time whenever you remove the makeup and you want to apply oil on your face, or you can use this oil on your face. If you don't have this oil, so don't worry, you can use any oil like almond, olive or coconut oil. अगेन यहाँ पे मैं आपको शो करा रही हूँ ये कॉटन पैड, आप इसको ज़रूर अपने पास रखें. प्लस यहाँ पे मेरे पास है मेकअप रिमूवर, आप इसको भी अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप मेकअप रिमूव करेंगे तो हमें को इसकी ज़रूरत होगी. ये मेरे पास है मेकअप ऑयल रिमूवर. अगेन यहाँ पे मैं आपको शो करा रही हूँ एक और चीज़ जो कि है परफ्यूम. आप कोई भी स्मेल, गुड स्मेल ले सकते हो, बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम आप ले सकते हैं यहाँ पर. ओके सो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो फिनिश हुआ, यानी कि जो भी चीज़ें थी हमारी बेसिक वो फिनिश हो गई हैं. और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ मेकअप की तरफ. सो यहाँ पे जो है मैं आपको थ्री टाइप के फाउंडेशंस दिखाऊंगी. एक होगा लिक्विड में, दूसरा होगा हमारा लाइक पैनकेक टाइप का, और थर्ड जो होगा हमारा स्टिक में. तो यहाँ पर मैं लिक्विड का जो फाउंडेशन दिखा रही हूँ वो है मेकअप रेवोल्यूशन का. काफ़ी हैवी कवरेज होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी न्यूली ब्राइट के लिए कि वो ज़रूर इसको यूज़ करें. तो ये जो मेरे पास है मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन है नंबर F9 है, और ये मीडियम कवरेज पे है. फाउंडेशन जो है वो मेरे पास है मेकअप रेवोल्यूशन का अगेन नंबर F11 है, ये भी मीडियम कवरेज में है, और ये है स्टिक फाउंडेशन. थर्ड फाउंडेशन जो मेरे पास है वो है पैनकेक में, और ये बीबी इंडियन बेस है. काफ़ी हैवी कवरेज है इसकी भी, सो ये भी आप अपने पास रखें. लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको पसंद नहीं है हैवी कवरेज फाउंडेशन, यानी कि कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनको नहीं पसंद है कि वो हैवी कवरेज फाउंडेशन अप्लाई करें, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप स्टिक फाउंडेशन लें मेकअप रेवोल्यूशन का अपने स्किन के मैच के हिसाब से. और साथ में आपको ये बोलूँगी कि आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर को भी अपने साथ रखें, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. अब आ जाते हैं हम अपने ब्रशेस की तरफ के ब्रशेस आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास है एक फ्लफ़ी ब्रश जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने पाउडर ब्रश के लिए, या फिर आप सेटिंग पाउडर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ब्लश के लिए मेरे पास है ये वाला फ्लफी एक और ब्रश जो कि ब्लश के लिए काफ़ी अच्छा है. यहाँ पर मेरे पास है कंटूरिंग के लिए ब्रश, आप ये भी रख सकते हैं कंटूरिंग के लिए. तो यहाँ पे मैं जो हूँ ब्रशेस भी आपको दिखा दूँ, जिससे आप अपने आई शेड्स ब्लेंड कर सकते हैं. कुछ होते हैं ब्रशेस जो कि आप क्रीज कॉर्नर, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को भी फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है बारी आती है हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर की, यानी कि सेटिंग पाउडर ले लें या कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं. मेक श्योर जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेना उसमें मिरर हो, क्योंकि आपके ब्यूटी बॉक्स में मिरर का भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है. मस्कारा जो है वो भी आप अपने बॉक्स में रखें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है. यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आईलाइनर. एक है जेल आईलाइनर, आप कोई सा भी आईलाइनर ले सकते हो, जेल वाला या फिर लिक्विड आईलाइनर. नाउ इट्स टर्न फॉर द आईब्रोज. हम यहाँ पे आईब्रोज को सेट करने के लिए पेंसिल लेंगे. कोई सी भी आप पेंसिल ले सकते हो जो भी आपको अच्छी लगती है. मेरे पास अभी एसेंस की थी तो मैं ये आपको शो करा रही हूँ. और यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक आईलाइनर पेंसिल, आप ये भी ज़रूर रखें अपने साथ. और यहाँ पे मेरे पास है लिप लाइनर पेंसिल, आप ये भी ज़रूर रखें, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं जो हूँ यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगी ये वाला कंसीलर, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट कंसीलर है. जिनको हैवी मेकअप नहीं पसंद उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगी ये वाला कंसीलर जो कि कवर गर्ल का है. अदरवाइज़ हैवी कवरेज के लिए आप मेकअप रेवोल्यूशन का ले सकते हैं, या कोई सा भी अच्छा सा कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. बारी आ जाती है हमारी लिपस्टिक की, कि लिपस्टिक की शेड्स कौन सी लें. यहाँ पर मैं आपको दो तीन शेड सिखाऊँगी जिसमें ये दो कलर्स हैं, एक है रेड कलर में, दूसरा है ब्राउन कलर में, और ये दोनों बहुत ही खूबसूरत शेड हैं. और यहाँ पे मेरे पास तीन और शेड हैं जो कि लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, और ये आप देख सकते हैं, एक है पिंक में, दूसरा है रेड में, और थर्ड जो है लाइट पिंक है. बहुत खूबसूरत ये कलर है. नाइट टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप कोई भी सीरम अप्लाई करें जिसमें ग्लो हो,
प्लस यहाँ पे मेरे पास है फेस प्राइमर, ये भी आप ज़रूर रखें। आई शेडो के लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इस तरह के जो ब्राइट कलर हों वो ज़रूर रखें आई शेडोज़ में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अगर कहीं आउटसाइड जा रही हैं किसी फंक्शन में, किसी पार्टीज़ वगैरह में, तो आप थोड़े से ब्राइट कलर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है ब्लश ऑन जो कि बहुत खूबसूरत न्यूट कलर में है। यहाँ पे जो है मैं आपको दो ऑप्शंस दिखा रही हूँ, एक है ब्रॉन्ज़र, यानी कि आप अगर डे में जा रहे हैं किसी भी पार्टी में तो आप ब्रॉन्ज़र यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर हाइलाइटर भी है, और सेकंड ऑप्शन है कॉन्ट्रोरिंग का, जिनको कॉन्ट्रोरिंग पसंद है वो कॉन्ट्रोरिंग यूज़ करें, और कॉन्ट्रोरिंग जो है वो हैवी मेकअप के ऊपर यूज़ होती है जब आप नाइट मेकअप नाइट पार्टीज़ वगैरह में जाएँ तब, अदरवाइज़ जिनको नहीं पसंद है कॉन्ट्रोरिंग करना तो वो ब्रॉन्ज़र भी यूज़ कर सकते हैं। And yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so please give me a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my any videos. And please let me know down comments below, do you like this video or not, and what kind of videos do you want to see on my channel. So I'll see you later on my next video. Till then, Allah Hafiz.